क्या मत थे ते चम के बाल मेरे बन रहे थे। कह रहे ऐसे ऐसे कर लिया, ऐसे ऐसे स्टेप करना है। मैंने कहा पीछे मैशअप लगा दे, ओ ढोनी तारो ढोल। दोबारा दोबारा हाय हाय तेरा डांस रिदित तोड़ू तेरे को मैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, पॉज कर यार कॉपीराइट आएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अरनेंद्र सन व्लॉग्स। और सुबह सुबह खा रहे हैं हम ये छोले पूरी खा रहे हैं। मैं रोटी के साथ खाऊंगा क्योंकि मेरे को ये फास्ट फूड वगैरह मतलब तला हुआ पसंद नहीं है बिल्कुल भी। सादा जीवन ठीक है, धीरे धीरे यार सब बाहर का छूटता जा रहा है। बहुत छोड़ दिया अब तो हमने। मैं तो पहले भी कम खाती थी, अरुण बहुत ज्यादा पहले कम खाती थी। चाटा मुंह पे पता हूँ थप्पड़ लगने के बाद कैसा लगता है। बढ़िया ये तो यार, अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर हमें कुछ मार्केट वगैरह जाना है, कुछ थोड़ा थोड़ा सा काम है। मौसम बाहर सुहाना रुके तो आज स्कूटी पे जाएंगे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम अगेन टू अरुण इन द सेवन व्लॉग्स। हम उठ चुके हैं, क्लिप्स डालेंगे ये कहने की ठीक है। तो अभी अरुण ने शूट किया तो मैंने कहा बिल्कुल फहा बढ़ता उसे। तो यार अभी हम उठ चुके हैं, शेंकी आ चुका है सामान लेके और मैं खा रही हूँ पूरी, साथ में देख रही हूँ मैं अपना ये रिश्ता क्या कहलाता है। एक ही प्रोग्राम है जो मैं देखती हूँ अनुपमा में कभी, मतलब ये ऐसे है कि 30 मिनट्स को जो भी 25 मिनट्स होता है मैं उसको 10 मिनट में फॉरवर्ड कर करके खत्म कर देती हूँ। अरुण ने बिल्कुल कम सब्जी, क्योंकि इनसे ज्यादा सब्जी खाई नहीं जाती। इन्हें लगता है कि मैं बहुत सब्जी खा लूंगा तो मेरी बॉडी में हार्म हो जाएगा। अगर मैंने हरी सब्जियां या प्रोटीन ज्यादा मात्रा में ले लिया तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और रोज 10 मिनट का व्लॉग डालना ठीक है, आप पिछले 2 साल से कर रहे हो। और क्या हुआ यार, कल हम आम गए थे तो हमने कल गोलगप्पे खाए। मैं आपको ऑनेस्टली एक इंसिडेंस बताऊं तो मैंने जब लास्ट वो खाया ना उसके बाद से मेरा मन उतर गया। सेम अरुण के साथ हुआ, मतलब इनका मन इसलिए उतरा क्योंकि जो पानी था ना उसमें एक्स्ट्रा खटास आ गई थी, भैया ने यहाँ तक हाथ घोल दिया। तो कल से हमने वो ले लिया त्याग कि हम लोग अब गोलगप्पे नहीं खाएंगे, धीरे धीरे सारी चीजें छोड़ दी। मतलब गोलगप्पे, अरुण ने छोले भटूरे बहुत टाइम से छोड़ दिए थे, छोले भटूरे हाथ खड़े दोनों ऐसे। मैंने गोलगप्पे अब तो कल से बिल्कुल छोड़ दिया, अब नहीं खाएंगे हम घर पे बनाते। पास्ता और चिली पोटैटो खाएंगे या साउथ इंडियन कुछ। और मैं कहानी सुनाऊं, छोले भटूरे कितने खाए थे उसने? 19 खाए थे ना उत्तम नगर में, जो वो फेमस वाला कागजी गोलगप्पे भाई, वो छोले भटूरे उस दिन छोले भटूरे 19। मम्मी मेरे को कह रहे इसको ना तू दरवाजे पे रोक ली जब तक 2-4 लाख रुपए ना दे। इसको बोल दिया हम तेरे रिंग नहीं एक्सचेंज होने देंगे। मैं क्या, वो बोलेगा रिंग ही रख लो तू। मैं अपनी खुद ले आता हूँ जाके। चेक कर दूंगा, चेक काट के बाउंस तो रख नहीं सकते, बाद में बाउंस हो जाना। ये देखो रिद्धि मैडम का स्टाइल, पूरे टोरे में रहती है, पूरे टोरे में देखो स्टाइल। उपासना कर रही है साफ सफाई और इंडियन फैमिली यूज्ड ब्रश दरवाजे साफ करने के काम आता है। और अगर पति पे ज्यादा गुस्सा आ रखा हो तो, और पति को ना पता हो कि आपने इसी से साफ करी है, तो आप बदला ले सकते हो, इसको आप दोबारा रख सकते हो। हाँ, और ये आप क्या कर रहे हो? मैं रेलिंग ये रेलिंग कम साफ कर रही है, अपनी धूप में बाहर ज्यादा सुखा रही है, अभी नहा के आई है। किसने क्या, ये अपने आप चमक रहे पहले से। चुप रह लो, मैंने चमका। तूने उंगली कैसे दिखाई मेरे को? हाँ, बोलो क्या भाई तो हो मेरे। क्या कह रही है? भाई तो भैया, भाई नहीं भैया हूँ। हाँ बोलो। छोटे भाई हो क्योंकि मैं आपसे मंच में बड़ी, मेरा अगस्त में आता है आपका तो। यही तो बचपन, यही तो बचपना है जो बड़े होने के बाद सच्चाई में बदल जाता है। हाँ बोलो। तो यार एक्चुअली क्या होगा, यहाँ पे ना पूरा वुडन का कुछ वर्क चल रहा था। हाँ, पीछे दिखाई दे रहा है यार अपने सारा। उसकी वजह से क्या हुआ, ये पूरे इसके अंदर ग्रिल में पूरा। यार ये तो फिर भी दरवाजे हैं, लो इंसान अपने चेहरे को टाइम टाइम बाद थोड़ा सा टचअप देना पड़ता है। ये सारा सामान उतर चुका है, कोई हमने पोर्टर बुक नहीं किया था ठीक है। हमारी टीम ने पोर्टर से बलिनों में डाला, बेड बेड बनाया और सारा सामान यहाँ पे कर दिया डिलीवर। हाँ बेटा सारी तूने ही करवाई थी, हम खड़े होके देख रहे थे बस। सो हम निकल गए हैं मार्केट के लिए, थोड़ी थोड़ी सी शॉपिंग करनी है हमें अंब से। ये साला शॉपिंग ही नहीं खत्म हो रही। और भैया ये चल रहा है दूल्हे का फेशियल। अब भाई बताओ, जिसके घर में खुद का नवारा ट्रीटमेंट होता हो वो बाहर जाके फेशियल क्यों करवाएगा। तो यहाँ पे शैंकी अभी ना जैसे ही ये मतलब फेशियल कंप्लीट हो जाएगा तो उपासना को नेक देगा, तो हम देखते हैं भाई कितना नेक देगा बहन को।
अब ये चल रही है फेस की सारी क्लीनिंग वगैरह। मैंने देखो सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर दो बुला रखे हैं एक शूट करने के लिए और एक अपनी फेस की क्लीनिंग के लिए। क्लीनिंग के लिए तो अभी आपको बिफोर आफ्टर, बिफोर आपने देखे रखा, आफ्टर आपको दिखाते हैं अभी। तो सबके बाद एंड में हो रहा है मम्मी की फेस की क्लीनिंग, और मम्मी वैसे करवाते नहीं है, बड़ी मुश्किल से मम्मी को पकड़ना पड़ता है। ये हमारे वाली नवारा पूरी घर पे रखवा रखी है 6 महीने से कि आप इसको रेगुलर करवा लो, फेस क्लीन हो जाएगा, हो जाएगा ना। मम्मी का भी जैसे एक टायर पे मैं चली रहती हूँ सारा दिन, मम्मी का भी वही हाल है पूरा दिन। तो मैंने पकड़ा, मैं क्या 2 दिन तो लगातार कर रहा हूँ। वैसे मैं पिछले 2 दिन से बोल रही थी पर हमारी खुद की भी हालत नहीं थी। परसों तो रात को आए थे, कल भी हम सो गए थे जल्दी। मैं रोने लगूंगी ना तो तुम आके नहीं, तुम मुझे ऐसे हग करोगे, ऐसे बोलोगे कि रिद्धि लाडो अच्छा मेरा बेटा। जैसे वो लड़ना तेरा, वो झगड़ना तेरा, मेरा रुक जाना, बैठो ना। ऐसे बैठूंगी, तुम मनाओ। रिद्धि ना लटक गई ऐसे। रिद्धि ऐसे नहीं करना, मैं गिर जाऊंगी। आराम से पकड़ के रुक जाना, मनाना तेरा, और मैं जैसे उठने लगूंगी मैं नाटक करूंगी ऐसे गिरने का। वो गिरना तेरा, तुम फटाफट आके मुझे उठाओ। उई। तुम छुओ, 7 जन्म तुम्हारे तृप्त किए मैंने, जोके जोके छीने भगवान बस इसी जन्म कर रहा, 7 रहने दे ना। आज उन्हें यार क्या मत्थे थे चमके बाल मेरे बनड़े थे, कह रहे ऐसे ऐसे करने हैं, ऐसे ऐसे स्टेप करना है। मैंने कहा पीछे मैच चल रहा था, ओ ढोनी तारो ढोल, और एक वो वाला गाना है पिता से है नाम तेरा, ऐसे करके उसके स्टेप है। मेरे को उसके पीछे कर दे ख्वाजा मेरे ख्वाजा। दोबारा दोबारा हाय हाय तेरा डांस रिद्धि, तोड़ू तेरे को मैं। तो जस्ट अभी हमने रिद्धि की मूवी लगा रखी थी ज़ूटोपिया, जो कि कार्टून मूवी है। तो क्या कैसी लगी मूवी आपको? बहुत अच्छी और बहुत फीलिंगदार, यानी कि उसमें एक रैबिट थी छोटी सी, वो बचपन से यही चाहती थी कि वो पुलिस ऑफिसर बने, जो कि मैं भी चाहती हूँ। तो उसका सपना पूरा हो गया जैसे। तो उसको ना एक और साथी मिल गया उस समय, जब वो उसका वो सारे जितने भी एग्जाम्स होते होंगे, मेरे को कुछ नहीं पता अभी, वो सारे एग्जाम्स हुए उसमें वो फर्स्ट आई, जैसे मैं भी आती हूँ बेटा क्लास में, जैसे मिडल में नहीं बेटा, जैसे क्लास में 40 स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो जो आप फर्स्ट आते तो हो बेटा, चुप रह लो, चुप रह लो। आप आते तो नीचे से अच्छा हाँ आगे बताओ। फिर उसको एक और साथी मिल गया, तो उन दोनों की जोड़ी ऐसी बन गई कि वो जितने भी ऑफिसर्स थे उन लोगों ने झूठ बोल के दुनिया को पूरा बर्बाद करके रखा हुआ था, और जंगली जानवर को पैदा करने के में एक बंदूक बनाई गई थी जिससे कि सारे एनिमल्स को। बस बेटा जितनी अच्छे से याद है ना, मैं यही देखना चाहता था कितने अच्छे से याद है। चलो फैन चलाओ। कूद 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 कूद। देखो भाई ये हमारी शेरनी, ठीक है, यहाँ बैठी है डट के, और यहाँ पे बैठे डॉगी, क्या मजाल, इसको जरा सा भी डर लग जाए, ठीक है, बिल्कुल शेर की तरह बैठी है। ओए कूद 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 कूद, क्या है तेरे को उठा के ले जाएगा, वो तो अपने आप को बचा लेगी, तो भाग भी नहीं पाएगी, तो इसीलिए कहते हैं ये हमारी शेरनी है। शेरनी इसको छोड़ बेटा, छोड़ बेटा, शेरनी है, बिल्ली नहीं है। तो यार मम्मी आज थके हुए हैं थोड़े थोड़े से, तो उपासना बना रहे हैं डिनर। उपासना ने आज लगवाई है मेहंदी, और बाकी जिन लोगों ने उपासना की इंस्टा स्टोरी देखी है वो समझ ही गए होंगे, ठीक है। दिखाओ ना, और ये उतर भी गई, ये इंस्टेंट वाली थी ना, ना दूसरी थी, आपको नाम नहीं लिखवाया, छाती पे नाम है, छाती पे खरीद के हमने लिखवा रखा है।
कर छाते पे नाम लिखवा रहे, सही बात है भाई, नहीं लिखवाया ना, हम तो पुराने हो गए अब कहा, वो शुरू में एक साल का ही क्रेज रहता ना, एक दो साल का। एक्चुअली यार हमने डिनर वगैरह कर लिया था, डिनर वगैरह करने के बाद एक बार ना हम जा रहे थे पैलेस देखने, कि मैंने कहा एक बार देख के आ लेते हैं, एक बार वहां पे फंक्शन है तो कैसे उसकी लाइटिंग वाइटिंग है, फिर उसके हिसाब से हमें अगर कुछ चेंजेस वगैरह करने होंगे तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस वगैरह कर देंगे। तो यार फंक्शन की तैयारियां चल रही है जोरों शोरों पे, लेकिन पर मेहंदी लगवा के थी मेरी, मेहंदी आधी तो उतर भी गई, तब से मैं शाम से जितना मैंने पूरा दिन पानी को हाथ नहीं लगाया उतना मैंने आज सारा रगड़ रगड़ के काम कर करके किया।